नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस खास वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वेट लॉस ड्रिंक बनाने के बारे में बताने वाला हूं, जिसके इस्तेमाल मात्र से 15 दिनों में ही आप अपने बढ़ते हुए वजन को कम कर सकते हैं। आपका वजन बहुत ही तेजी से घटने लगेगा। दोस्तों इस ड्रिंक को पीने से आपका किसी भी तरह का मोटापा हो कम होगा, चाहे आपका बैली फैट हो, पेट बाहर की तरफ निकल गया हो, थाई फैट हो या आपके कमर के आसपास चर्बी हो गई हो। दोस्तों ये ड्रिंक पूरे बॉडी के एक्स्ट्रा फैट पे वर्क करेगा। आइए जानते हैं इसे तैयार कैसे करना है, उसे किस तरह से लेना है। दोस्तों इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लेना है और इसमें 2 गिलास पानी डाल देना है। अब आपको इस पानी में ऐड करनी है जीरा। जी हाँ, क्यूमिन सीड्स। जीरा के बारे में आप जानते ही होंगे। जीरा हमारे मोटापे को कम करने के लिए हेल्प करता है, साथ ही साथ ये हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है, साथ ही डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसके अंदर ऐसी क्वालिटी पाई जाती है जो शरीर में खून की कमी को भी पूरा करती है और हमारे शरीर में जमी चर्बी को पिघलाने में मदद करती है। तो यहाँ पर आपको 1 चम्मच की मात्रा में जीरा ऐड करना है। अब दोस्तों इसमें दूसरी चीज़ ऐड करेंगे, वो है नींबू। नींबू को हमने यहाँ पर छोटी छोटी स्लाइसेस में काट लिया है। आपको नींबू को छिलकों सहित यूज करना है। नींबू आपकी कैसा भी मोटापा हो उसे कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह आपके शरीर की एक्स्ट्रा फैट को निकालेगा, आपकी स्किन की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा। इसके साथ ही नींबू विटामिन सी का अच्छा सोर्स होता है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको 1 मीडियम आकार का पूरा नींबू यूज करना है। इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लीजिए और इस पानी में ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे दोस्तों छोटी हरी इलायची। आयुर्वेद के अनुसार हरी इलायची शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर आपके पाचन तंत्र को साफ करता है, शरीर की सूजन को कम करने और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करती है। इससे वजन कम करने में हेल्प मिलेगी। ये आपके शरीर में बह रहे खून को साफ रखते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है तो इससे वह भी काबू में रहता है। अगर आपको कफ, गैस और पेशाब में जलन होने की प्रॉब्लम हो तो भी आपको इलायची जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा इलायची आपके ड्रिंक को स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ शरीर के अनेकों बीमारियों से बचाएगी, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। तो यहाँ पर आपको 2 छोटी इलायची लेनी है और इन्हें हमाम दस्ते में कूटकर इस तरह पानी में डाल देंगे। अब आखिरी में आपको ऐड करनी है सौंफ। दोस्तों सौंफ वजन घटाने के साथ साथ कैल्शियम का भी बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में वेट लॉस करने के दौरान शरीर में कमजोरी आ जाती है, लेकिन सौंफ में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स आपके वजन को कम करने के साथ साथ आपके शरीर में एनर्जी बनाए रखेंगे, जिससे आपको किसी भी तरह की कमजोरी और थकावट भी नहीं होगी। इसके अलावा सौंफ में दोस्तों फाइबर, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, जिससे वजन कम करने में हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर आपको 1 चम्मच की मात्रा में सौंफ ऐड कर देना है। सौंफ भी आपको बड़ी सौंफ इस्तेमाल में लाना है। दोस्तों अब इस पानी को धीमी आंच में बॉयल होने देंगे। इसे तब तक उबालेंगे जब तक पानी आधा ना रह जाए, यानी कि 2 गिलास पानी हमने ऐड किया था वो पानी उबलकर 1 गिलास ना रह जाए तब तक हम इसे उबालते रहेंगे। बीच बीच में आप इसे चम्मच से हिलाते रहिए ताकि सभी चीज़ों का गुडनेस इस पानी में आ जाए और ये ड्रिंक बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाए। पानी के आधा रह जाने के बाद अब हम इसे छान लेंगे और छानने के बाद इसे ग्लास में डालेंगे। दोस्तों अब ये वेट लॉस ड्रिंक तैयार होने के कगार पर है। हमें सिर्फ एक चीज़ इसमें और ऐड करनी है और वो है दोस्तों गुड़, जैगरी। दोस्तों बहुत से लोग जैगरी का इस्तेमाल करना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपको बता दूं जैगरी आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे आपका वजन तेजी से कम होता है। इसके अलावा दोस्तों जैगरी पोषक तत्वों का खजाना होता है। अगर इस तरह आप जैगरी का इस्तेमाल करोगे तो शरीर में पूरे दिन थकान, आलस, कमजोरी फील नहीं होगी और आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करोगे। तो सिर्फ आपको 1 टुकड़ा गुड़ इसमें ऐड कर देना है। अगर आप गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहो तो जब ये ड्रिंक हल्का गुनगुना रह जाए तो इसमें आप 1 चम्मच की मात्रा में शहद भी ऐड कर सकते हो। गुड़ डालकर अच्छे से इसे घोल लीजिए। यह आपका वेट लॉस ड्रिंक पूरी तरह से बनकर तैयार है। आइए जानते हैं इसका सेवन किस तरह करना है, कब पीना है। तो कभी भी दोस्तों इस ड्रिंक को आपको गुनगुना ही पीना है, यानी हल्का गर्म होना चाहिए और इसे आप सुबह खाली पेट पीजिए। जब भी आप सुबह उठते हो तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए बासी मुंह, बगैर ब्रश किए, बगैर दातुन मंजन किए 2 से 3 गिलास हल्का गर्म पानी पीना है। सुबह इस तरह खाली पेट गुनगुना पानी से दोस्तों आपका पेट अच्छे से साफ हो, आंतें साफ हो जाएंगे। पानी पीने के 10 मिनट के बाद आप इस ड्रिंक को पी सकते हो। इसे भी आपको सिप सिप करके आराम से इत्मीनान से पीना है, हड़बड़ी में नहीं पीना है। ध्यान रखिएगा सिप सिप करके पीना है, जैसे आप चाय पीते हो उसी तरह से पीना है।
अगर आपको सुबह सुबह खाली पेट चाय पीने की आदत है तो उस आदत को छोड़ दीजिए और उस चाय की जगह आप इस ड्रिंक का सेवन कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा आप लगातार 15 दिनों तक ही कर लिए तो आप देखेंगे कि आपका 4 से 5 किलो वजन आसानी से कम हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अभी ठंड का मौसम चल रहा है और इस ठंड के मौसम में अगर आप पूरे दिन हल्का गर्म पानी पीते हो यानी गुनगुना पानी पीते हो तो इससे वजन कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा अच्छा रहेगा। तो इस ठंड के मौसम में जब तक इस ड्रिंक को ले रहे हो तब तक आप पूरे दिन हल्का गर्म पानी पीना दोस्तों, आपको कुछ ही दिनों में खुद में फ़र्क महसूस होने लगेगा। हल्का गुनगुना पानी पीने से आपका शरीर भी डिटॉक्स होता रहेगा और चेहरे पर चमक भी आएगी। इसके साथ इस ड्रिंक का पूरा फायदा लेने के लिए आपको एक काम करना होगा, आपको जंक फूड, ऑयली चीज़ें, तली भुनी चीज़ें अवॉइड करना होगा, पूरी तरह से बंद करना होगा। इसके साथ ही बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाइए। दोपहर के खाने में सलाद जरूर ऐड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके सलाद खाने की कोशिश कीजिए, कच्ची चीज़ें खाने की कोशिश कीजिए। कच्ची चीज़ें जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करोगे उतना ही ज़्यादा आप लंबे समय तक हेल्दी रहोगे और जवां भी रहोगे। इसके साथ साथ आपको योगा एक्सरसाइज भी करना है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस की वजह से ही मोटापा ज़्यादा बढ़ता है दोस्तों, तो तनाव लेना बंद कर दीजिए। अपना खुद का ख्याल रखिए, खुश रहिए, फिजिकल एक्टिविटी रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बताना और जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।